नमस्कार, झाबुआ लाइव के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। और इस फेसबुक लाइव में हम बात करेंगे एक सवाल पर जो इस समय कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस से सभी के जेहन में उठ रहा है। जी हाँ, सवाल है कि क्या झाबुआ जिला एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। ये सवाल इसलिए कि बीते 10-12 दिनों में जिस तरीके से कोविड-19 के मरीज सामने आ रहे हैं, पेशेंट सामने आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि जिला उसी की ओर बढ़ रहा है। देखिए, 22-25 मार्च से देश में लॉकडाउन फर्स्ट लगा था और उसके बाद 3 लॉकडाउन लगे हैं। उस समय झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में केस 9 के बराबर थे, लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, अनलॉक 1 में भी हालात ठीक थे, लेकिन अनलॉक 2 के बाद हालात बिगड़ने शुरू हो गए। बात अगर आज की हम करें तो झाबुआ ज़िले में इस समय 18 एक्टिव केस हैं। ये एक बड़ा फिगर है और अचानक से इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इन 18 एक्टिव केसेस में 15 केसेस ज़िले में मौजूद हैं और 3 केसेस ज़िले के बाहर हैं। तो आज भी एक व्यापारी पॉजिटिव आए हैं जो सोना चांदी का बिजनेस करते हैं, जो लेखापाल पेटलाद में पोस्टेड हैं, जो यहाँ के मारुति नगर में रहते हैं, उनका परिवार भी आज पॉजिटिव आया है। कल वो पॉजिटिव आए थे, उसके पहले शहर के लक्ष्मीबाई मार्ग में एक फैमिली में पॉजिटिव आई थी। राणापुर की बात करें तो महाराष्ट्र से लौटी एक महिला पहले वहाँ पर पॉजिटिव आई थी। उसके बाद एक बर्तन व्यापारी हैं, एमजी रोड में रहते हैं, वो पॉजिटिव आए थे। बामनिया में एक लेडी पॉजिटिव आई है। राणापुर में बर्तन व्यापारी का जो पोता है वो भी पॉजिटिव आ गया और उनके परिवार के संपर्क में आया एक युवक है सुभाष मार का, वो भी पॉजिटिव आ गया। तो जिस तरीके से ये संख्या बढ़ती जा रही है, उससे साफ है कि अब झाबुआ ज़िले में सख्ती करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम भारतीयों की बात करें तो हम 2-3 धारणाएं भारत के लोगों में होती हैं। जैसे हम लोग जब तक बिस्तर न पकड़ लें अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं। प्रशासन भी जब तक गले गले तक ना आ जाए तब तक चीज़ों को सामान्य और सहज मानता है, या ये मानता है कि चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि बाबा रामदेव की कोरोनिल आ रही है, उसे खा के हम ठीक हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने ये जो जारी हुआ था कि भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से जो वैक्सीन आ रही है, कोरोवैक्सीन जो प्रस्तावित है, जिसका ह्यूमन ट्रायल 7 तारीख से शुरू हुआ है, जो अगले कुछ दिनों तक चलेगा, तो हमने मान लिया है कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन बाज़ार में आ जाएगी और हम उसका इस्तेमाल करेंगे, हमको कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये सच नहीं है, ये ट्रायल है। हालांकि दावा है ज़रूर कंपनी का कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना कि आप सोच रहे हैं। ये ट्रायल काफ़ी वक्त तक चलेगा और उसके बाद ये होगा कि जो ड्रग है वो इस तादाद में बनानी होगी, क्योंकि आपको न सिर्फ भारत को मेंटेन करना है बल्कि एशिया और पूरे दुनिया में जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी देश हैं, करीबन 180 से ज़्यादा देश इस समय कोविड-19 से पीड़ित हैं, वहाँ पर इस दवाई को, ड्रग को भेजना होगा। तो ये ड्रग कितनी मात्रा में कोरोवैक्सीन बाज़ार में आएगी ये भी देखना पड़ेगा। अभी एक मंत्रालय का ट्वीट भी आया है कि ये ट्रायल के बाद भी बाज़ार में अगर ये कामयाब होता है, अगर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर ये कामयाब होता है तो कोरोवैक्सीन बाज़ार में मार्च तक आ पाएगी, मार्च 2021 तक। तो क्या तब तक हमें ठीक से नहीं रहना चाहिए? इस समय अनलॉक होते ही जितने भी लोग हैं उन्होंने ये मान लिया है कि अब कोरोना गया, उन्होंने मास्क का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। मेरा ये दावा है कि झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले में 75% से ज़्यादा लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर। ये भी दावा है कि 80% लोगों ने जो सेल्फ हाइजीन है, खुद का साफ सफाई का ध्यान रखना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2-3 बार नहाना है, एक दिन जो आपने कपड़े पहने हैं वो दूसरे दिन नहीं पहनना है, शाम को ही उसको आपको धो देना है, इन सारी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और साथ में जो सैनिटाइज़र है जो पब्लिक डोमेन में छिड़काव करना है,
तो सरकारी तंत्र जो स्थानीय निकाय हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उन्होंने भी लगभग बंद सा कर दिया है। तो यानी कि जो स्थानीय निकाय हैं जो अपने शहर और गांव को सैनिटाइज करने के लिए, पब्लिक प्लेस के को सैनिटाइज करने के लिए जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल हैं, उन्होंने भी एक तरह से मान लिया है कि कोरोना खत्म होने की ओर बढ़ रहा है और हमने भी ये मान लिया है। देखिए, स्कूल खुलने का सत्र नज़दीक आ रहा है, तापमान में अब गिरावट आनी शुरू हो रही है, ये सारे सिम्टम्स आप सोचिए कि ये, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बाज़ार खुलने का, एक दूसरे राज्यों से आवाजाही होने का क्या असर हुआ है। इस समय जो हमारे यहाँ 18 पेशेंट, उनमें से 50% जो पेशेंट हैं वो गुजरात या इंदौर से होकर आए हैं। मतलब साफ़ है कि जब लॉकडाउन था तब हम सुरक्षित थे, अनलॉक होते ही हम असुरक्षित हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कितने समय तक लॉकडाउन हो, लोग परेशान हो गए थे, इसीलिए सरकार ने राहत दी और लोग सरकार से नाराज़ होने लगे थे, प्रशासन से नाराज़ होने लगे थे, जबकि सरकार और प्रशासन अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए वो फैसला कर रही थी। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो सरकारों को और प्रशासन को भी मजबूर कर रहे हैं कि एक बार फिर से झाबुआ को कंप्लीट लॉकडाउन की ओर बढ़ाया जाए। देखिए, जोबट में आज एक व्यापारी पॉजिटिव मिले हैं, वहाँ के प्रशासन ने शानदार काम किया है, वहाँ के SDM अखिल राठौड़ ने संडे तक के लिए जोबट को सील कर दिया है और लॉकडाउन कर दिया है। एक कोरोना पॉजिटिव मिला है जोबट में और ये एक्सरसाइज हो गई है और जो अभियान चल रहा है उसके तहत अब डोर टू डोर जाकर सैंपलिंग हो रही है, थर्मल स्कैनिंग मशीन के जरिए जाँच हो रही है और वहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है। झाबुआ में 10-12 पॉजिटिव हैं, राणापुर में करीबन 4 पॉजिटिव हैं, बामनिया में आ गया है केस, लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है, बाज़ार खुले हुए हैं, लोगों की आवाजाही है। तो जोबट में एक केस पर लॉकडाउन, झाबुआ में 12 केस पर भी खुला हुआ है, राणापुर भी खुला हुआ है 4 केस होने के बावजूद भी। तो ये क्या है, अब वक्त है कि व्यापारियों को आगे आना चाहिए, मोह त्यागना पड़ेगा। कुछ व्यापारी हमने देखे हैं कि हाट के दिन भी शटर आदि गिराकर या चोरी छुपके व्यापार करते हैं, ये वो लोग हैं जो जिनको पैसों की भूख है, अंधे हैं पैसे के पीछे, वो न अपना हित देख रहे हैं न अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, बल्कि उनकी दुकानों पर जो लोग आ रहे हैं उनका जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। अभी आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि कुछ धार जिले में एक नेता हैं वो भी पॉजिटिव आ गए हैं और झाबुआ के कई नेता और पदाधिकारी उनके संपर्क में थे, ये एक नया खतरा है। अब उनकी जांच करने की ज़रूरत है कि उनको होम क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, वरना ये बड़े पैमाने पर फैल सकता है। तो अब क्या सिर्फ झाबुआ को लॉकडाउन किया जाए, मध्य प्रदेश को किया जाए या पूरे भारत को किया जाए? आंकड़ों की अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अब 2 गुने हो रहे हैं, भारत की बात करें तो उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हमने रूस को पीछे छोड़ दिया है, हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं और जिस गति से हम बढ़ रहे हैं आश्चर्य नहीं है कि हम टॉप पे आ जाएंगे। हालांकि एक चीज़ जो अभी भी है कि जो हमारे यहाँ COVID-19 से डेथ रेशो है वो 1.5 से 2% बना हुआ है, यानी कि 100 में से 1 या 2 लोगों की मौत हो रही है, बाकी लोग ठीक हो रहे हैं। जबकि दूसरे देशों में जो यूरोपीय देश हैं उसमें ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा नहीं है, वहाँ पर जो डेथ रेशो है वो करीबन 8 से 10%, 12% तक जा रहा है। ब्राज़ील में, ब्रिटेन में, अमेरिका में अलग अलग है, लेकिन 8 से 12 तक जा रहा है। तो ये हमारे लिए इस लिहाज से ठीक है, लेकिन एक्टिव केस की संख्या में भारत तेज़ी से अब पहले नंबर की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि अगले 20-25 दिनों में या महीने भर में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। तो विकास में हम पीछे छोड़ दें तो समझ में आता है, लेकिन कोरोना में अगर हम उनको पीछे छोड़ेंगे तो ये सवाल खड़े होने लाजमी हैं कि हम भारतीय आखिर इस बीमारी को लेकर गंभीर क्यों नहीं हैं। हमारे लिए रोजी रोटी की चिंता, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पर गरीब और जो मजदूर है उससे ज़्यादा मध्यम वर्ग और अमीरों को ज़्यादा चिंता है। वो चाहते हैं कि बाज़ार खुलें,
ट्रेनें चलें, बसेस चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले, स्कूल खुल जाएं, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। आंकड़े बढ़ रहे हैं और आप नॉर्मल होने की उम्मीद कर रहे हैं, सब चीज़ें खोलना चाह रहे हैं, ये विशुद्ध बेवकूफ़ी है और ये नाजायज अपेक्षाएं हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो अब झाबुआ जिला प्रशासन के पाले में गेंद है, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसके बाद आज की तारीख की हम बात करें तो आज 10 जुलाई है और मुझे लगता है कि अगर ये जिस तरीके से कोविड-19 के मरीजों का आना जारी रहा और ये संख्या 18 से बढ़कर अगर 25-30 को पार कर गई तो फिर झाबुआ ज़िले को लॉकडाउन करना पड़ेगा। हो सकता है दो चरणों में हो, राणापुर, झाबुआ, बामनिया, पेटलावद जैसे कस्बे लॉकडाउन हो जाएं, पेटलावद में नहीं है, थानला, पेटलावद, मेघनगर, पारा खुले रहें, लेकिन जैसे ही कोविड-19 का पेशेंट यहाँ आता है, खुदा न करे कि ऐसा हो लेकिन चल रहा है आ गया, तो फिर यहाँ भी पूरा ज़िला लॉकडाउन संभव है। तो मुझे जो उम्मीद दिखाई देती है कि अब इस पर प्रशासन ने भी विचार करना शुरू कर दिया, जो अफसरों से हमारी बात हुई है, फिलहाल चूंकि अधिकृत ऑर्डर नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो जिम्मेदार अफसर है उनसे आज मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हम भी विचार करने लगे हैं कि झाबुआ ज़िले को अब लॉकडाउन में डाला जाए और वही सख्त लॉकडाउन किया जाए जो पहले फेस में था। और फिलहाल जो इस सप्ताह जो है वो प्रशासन ये देखने के मूड में है कि लोग सुधरते हैं कि नहीं, मास्क लगाते हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करते हैं। अगर ये लोगों ने करना शुरू कर दिया तो इंतज़ार करेगा प्रशासन आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन अगर ये बना रहा तो शायद कल से मास्क न लगाने पर सख्त चालान बनने शुरू हो जाएंगे। चालान नगर पालिका को भी बनाने चाहिए, नगर परिषदों को भी बनाने चाहिए, सरपंच सचिवों को भी बनाना चाहिए, पर ये स्थानीय निकाय हैं जो आम लोगों के वोटों से जीतते हैं, इसलिए ये लोग हाथ नहीं डालेंगे भले शहर और गांव में कस्बों में कोविड-19 फैलता रहे। इसके लिए प्रशासन और पुलिस, तहसीलदार, SDM, थानेदार, TI, इनको मैदान में आना पड़ेगा और तभी जाकर ये जब जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाइयाँ होती हैं उसी तरीके से बगैर मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई होगी, तभी ये सब कुछ होगा। दूसरी एक चीज़ है कि बहुत से लोग जो कोविड-19 के लोगों के संपर्क में आए हैं पॉजिटिव के, वो अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, तो अब सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उनकी CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट भी ली जाए, सिर्फ इसलिए कि उनकी लोकेशन पता की जा सके, और अगर आपने झूठ बोला तो आप पर FIR भी संभव है, क्योंकि कोविड-19 जैसी चीज़ों में झूठ बोलना न सिर्फ देश के खिलाफ है बल्कि समाज के भी खिलाफ है, बल्कि आपके परिवार के साथ भी खिलाफ है। इसीलिए इस पर भी विचार सरकारी तौर पर चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। केरल सरकार ने ज़रूर ट्रेवल हिस्ट्री छुपाने पर FIR की हैं, कर्नाटक सरकार ने भी की है, मुंबई में भी कुछ FIR हुई हैं, झाबुआ में भी आने वाले दिनों में हो जाएँ तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। तो कुल मिलाकर इस फेसबुक लाइव में मेरे ये बताने की कोशिश है कि झाबुआ ज़िला एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब सिर्फ आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, मेडिकल सेवा चालू रहेगी, दूध सब्जियां आपको मिलती रहेंगी, वो भी होम डिलीवरी, आप एक तरह से कर्फ्यू में रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे और बेहद ज़रूरी होने पर ही निकलेंगे, और उसका आपको जेन्युइन एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा प्रशासन के अधिकारियों को। तो फिलहाल आपके लिए यही सूचना थी, सतर्क रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, और व्यापारियों से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर कोई व्यापारी आपके साथ ही, सभी कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे व्यापारी शटर आदि झुका के गिरा कर पर्दे में कारोबार कर रहे हैं बगैर चिंता किए, ऐसे लोगों को दूसरे व्यापारी चिन्हित करें, प्रशासन को सूचना दें और कार्रवाई करें और उनके वीडियो बना के वायरल करें ताकि कार्रवाई भी हो सके और उनको शर्मिंदगी का भी एहसास हो सके। देखिए, ये बहुत पहले कहा गया था कि 2020 जीवन बचाने का साल है, कमाने का साल नहीं है। पूरा वक्त है आपके पास, पूरा जीवन पड़ा है, कमा लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन इस समय आप जीवन बचाइए,
आपका खुद का, अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का, कुटुंब का, समाज का। यही आपकी सजगता, ये भी एक देश प्रेम से कम नहीं है, ये भी एक राष्ट्र प्रेम है। अगर आपने खुद के लिए इतना कर लिया तो देश सुरक्षित हो जाएगा। तो फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही, अगले लाइव में फिर से आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। बात करवाएंगे आपकी हम कलेक्टर झाबुआ से, कलेक्टर अलीराजपुर से, एसपी झाबुआ, एसपी अलीराजपुर से। वो अपील भी करना चाह रहे हैं आपसे, आप उनकी अपील भी सुनिएगा। पेज को अभी तक आपने हमारे लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सीबी लाइव, उसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि वहाँ भी आपको अपडेट मिलती रहेगी।